अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने चैनल खाना और पकाने का पहला व्लॉग। रात के 2 बज रहे हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठा हूँ चाय के होटल के ऊपर। लेकिन मेरा ये व्लॉग जो है ये इस चाय के होटल का नहीं है, हम लोग इस टाइम के ऊपर जा रहे हैं प्याला होटल के ऊपर और वहाँ पर चल के आपसे मुलाकात होती है और वहाँ पर मैं सही अपने दोस्तों का नाम के साथ इंट्रोडक्शन भी कराऊँगा और प्याला होटल की चाय और वहाँ पर क्या क्या कुछ होता है वो भी आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। प्याला होटल की बड़ी तारीखी हैसियत है उन लोगों के लिए जो चाय पीने के शौकीन है और होटलिंग करने के शौकीन है, ख़ास तौर पर रात में। किसी ज़माने में 80s में और अर्ली 90s के अंदर बड़े बड़े फनकार जिनके अंदर उमर शरीफ मरहूम और सज्जाद अली और रूफ़ी साहब में वो वहाँ पर आकर बैठा करते थे, उनकी आमाजगा हुआ करती थी। अब ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि अब जो है वो स्टेज प्रोग्राम भी नहीं होते जो गली मोहल्लों में हुआ करते थे। लेकिन बहरहाल कैफ़े प्याला की रौनकें अभी भी वैसे ही हैं और चाय का टेस्ट भी वैसे ही है। कम से कम सन 1990 से तो मैं अपने दोस्तों के साथ आ रहा हूँ और उसको वैसे ही पाया जैसे ये पहले था। चलिए चलते हैं प्याला होटल की तरफ, वहाँ पर चल के तफसीली गुफ्तगू भी होती है और दोस्तों से इंट्रोडक्शन भी होता है। चलिए मेरे साथ साथ रहिएगा। व्यूअर्स अब हम रवाना हो गए हैं मेन पेट्रोल पंप से, हम गुजर रहे हैं जो दिन के अंदर इतना खचा खच रस से भरा होता है, ना गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है ना चलने को जगह मिलती है। लेकिन अभी रात के इस टाइम इस पैर सारी दुनिया सो रही है और हम जो है वो मटर रिश्ती करने निकले हुए हैं और प्याला होटल की तरफ रवा दवा है। हमारी तरफ कुछ मत वाले आपको वहाँ पर भी नज़र आएंगे। ये गुलबर्ग का इलाका आ गया है, ये भी रश वाला इलाका है लेकिन दिन दिन के लिए। अभी रात के अंदर आप देख लें कैसे सन्नाटा है, कदुका दुकानें खुली हैं बाकी सब बंद है। ये व्यूअर्स हम लोग कैफे प्याला के ऊपर पहुँच गए हैं, अभी हम अपनी गाड़ी को पार्क कर लें फिर आपको मज़ीद दिखाते हैं। व्यूअर्स हम लोग आखिर कैफ़े प्याला पहुंच चुके हैं। ये देख लीजिए कैफ़े प्याला पहले एक ही हुआ करता था लेकिन अब जो है ये 2 ब्रांचेज हो गई है। सुनने में आया कि ये 2 भाई जो हैं इन्होंने अपना अपना अलग अलग होटल खोल लिया, तकरीबन दोनों की एक ही जैसे स्टफ है। तो हम जो है वो नए वाले कैफ़े प्याला पर बैठ रहे हैं। ये हमारे लिए ख़ास तौर के ऊपर बाहर इंतज़ाम किया जा रहा है जो आज अलाउ नहीं है। वैसे यहाँ के ऊपर तेल धरने की जगह नहीं होती, आज लोग नज़र नहीं आ रहे हैं आपको इस वजह से, सब लोग जो है वो ऊपर बैठे हुए हैं, पहली दूसरी तीसरी मंजिल के ऊपर ऊपर भी बैठने का इंतज़ाम है। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट तैयार कर दिया उन लोगों ने। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम कैफ़े प्याला पहुंच जाएं, वहां पर फिर चल के मैं अपने दोस्तों का फिर तारुफ़ कराता हूँ आप लोगों से। ये मेरे बाएँ हाथ की जानिब हमारे दोस्त बैठे हैं राजा वसीम अहमद साहब, और ये मेरे दूसरे दोस्त हैं फैदान नकीम, ये हमारे हैं शाहिद भाई। शाहिद भाई हाथ वेव कर दिएगा। ये हमारे रहमान भाई हैं, रहमान बाबा प्यार से सब इनको कहते हैं, तो ये भी हमारे साथ में। रिवर भी हमारी चाय आ गई है, इसमें मेरे लिए फीकी चाय आई है और बाकी मेरे दोस्तों के लिए मीठी चाय है। और बहुत एफिशिएंट किस्म की सर्विस, इनकी ज़बरदस्त सर्विस है जो आपको किसी और होटल के ऊपर नहीं मिलती है। और इसके ट्रेडिशनल पराठे भी हमने मंगवाए हैं और लच्छा पराठा भी यहाँ पर अब चलाने लग गए हैं ये लोग, तो लच्छा पराठा भी हमने मंगाया है जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। अब हमारे राजा साहब जो है वो इसको ट्राई करके जो है उसका रिव्यू देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। राजा साहब ट्राई कीजिए और इसको बताइए मुझे कि 1990 से जो हम लोग आ रहे हैं तो वो टेस्ट जो है वो अभी तक बरकरार है या कुछ तब्दीली आ गई। वाह डॉक्टर साहब वाह, बचपन याद दिला दिया तुमने यार। गुजरा जमाना बचपन का। ये राजा साहब जो हैं ये मेरे बचपन के दोस्तों में से हैं, बाकी ये मेरे दोस्त भी नए नहीं हैं, पुराने 10-10, 12-12 साल। लेकिन राजा साहब जो हैं वो पुराने बन में सबसे बाजी ले गए हैं, सन 1990 से मेरे साथ हैं और हम उस वक्त प्याला होटल के ऊपर आया करते थे
जब यहाँ के ऊपर जो थी वो बड़ी बड़ी चरपाइयाँ और तखत लगा करते थे। भाई कैसा लगा आपको पराठा बताइए? ज़बरदस्त। ये प्याला होटल की शान, ये पराठा है, ये पराठा यहीं मिलता है और कहीं किसी और जगह पे मेरे ख्याल ये नहीं मिलता ना, ऐसा पराठा नहीं मिलता ना ये प्यालों में। चाय, चाय के टेस्ट के मुताबिक क्या ख्याल है आपको? चाय तो यहाँ की सबसे निराली। चाय के लिए तो हम इतनी दूर से यहाँ आते हैं चाय पीने के लिए। क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ खा रहा हूँ भाई, ये सिर्फ खाने में मतलब। 1990 से जब से आपके साथ मैं आ रहा हूँ और अभी तक इस चाय में आज भी बिल्कुल डिटो वाइड आ गया डॉक्टर। अच्छा। और वाकई वो चरपाइयाँ और वो बड़े बड़े मंजे याद आ गए जब हम क्रिकेट खेल के आते थे और यहाँ अपनी थकन उतारते थे। सर्दियों में हम बैडमिंटन खेलते थे सारे मिलकर। डॉक्टर को बचपन से शौक है कुकिंग का, तो ये और एक और हमारा दोस्त असद, तो वो और डॉक्टर साहब उस वक्त भी अंदर किचन में घुस जाते थे और कुकिंग करते थे। तो वो अंडा गुठाला बहुत ज़बरदस्त बनाते थे। जब भी मैं यहाँ आता हूँ डॉक्टर के साथ तो मुझे अपना वही वाला टाइम दोबारा याद आया था। बहुत मज़ा आता था और आज भी वैसे ही मज़ा आता है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि उस वक्त हमारी दाढ़ी नहीं निकली थी, आज दाढ़ी निकल के सफ़ेद हो गई। हमारे रहमान भाई जो हैं ये दो ही चीज़ों पर ज़िंदा हैं, एक पराठा और मलाई और या बन मलाई और ये दूसरा जो है वो बन कबाब। ऐसे उनको तो स्पेस नज़र आया मलाई का तो उन्होंने फ़ौरन मलाई का ऑर्डर करवा दिया उनको। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं माशाल्लाह से, ये बहुत ही मोहब्बत वाले हैं। मैं तकरीबन 1991 से मतलब कैफे प्याला पे आना जाना रहा है हमारा, तो जो टेस्ट जो मैार इसका चाय का और पराठे का था वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। एक किस्म की ये हमारी बचपन की याद ताज़ा कर देता है। रिवर ये हमारे रहमान भाई की मलाई आ गई है और अभी थोड़ी देर में रहमान भाई की मलाई के साथ कुश्ती शुरू हो जाएगी और मलाई हार जाएगी हमेशा की तरह, रहमान भाई जीत जाएंगे। रिवर जिस ज़माने से हम आ रहे हैं वो इंतहाई सस्ता दौर था, तकरीबन 100-125 रुपए के अंदर हम 10-11 दोस्त हैं वो पेट भर के खा भी लेते थे, चाय भी लेते थे। यहाँ पर लोग मालिश करवाने बहुत ज़ौक शौक से आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग मालिश के शोबे से वाबस्ते हैं और अपनी रोज़ी कमाते हैं यहाँ पर। उनमें से कुछ जो है एक नर्स से हम यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे हमारी अच्छी दुआ सलाम है, उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ जब तक मैं अपनी चाय पराठा वगैरह ख़त्म कर लें फिर। ओह ये हमारे अब्दुलरहमान भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुलरहमान भाई, क्या हाल है? खैरियत? हमारे शायद भाई जो ये इंतज़ार में रहते हैं कि मौका मिले और मालिश हो, और ये देखिए इनकी मालिश इनकी स्टार्ट हो गई है। अब्दुलरहमान भाई कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर मालिश करते हुए कैफे प्याले के ऊपर? माशाल्लाह 15-16 साल तो हो गए होंगे। हमने ये चाय और पराठे खाए हैं, हमने लगा ज़रा ये चल के देखें कैसे बन रहे हैं, आ जाएं आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये चाय का आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सेटअप है चाय का, तो आज तक वैसे ही है जैसे पहले था। भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से कितनी चाय का दूध आपका निकल जाता है माशाल्लाह से? यार दूध हमारा इंशाल्लाह रात को जो है ना 5-6 मन निकलता है, दिन को भी 5-6 मन निकलता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आए आपको पराठे का दिखाते हैं सेटअप। भाई आप ठीक हैं? माशाल्लाह से आपको पूरी पराठा जो है यार पूरे कराची में मशहूर है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, नो डाउट ऐसा पूरी पराठा कहीं भी नहीं मिलता और बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। हमने अभी मंगवाए थे, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, 2-3 मिनट में सारे गायब हो गए। चले आए चलते हैं अंदर। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ठीक है। ये जो है लच्छेदार पराठे का सेटअप है माशाल्लाह से, और आपका ये लच्छेदार पराठा भी बड़ा मशहूर है यार, बहुत मज़ेदार है। तो कितने पराठे निकल जाते हैं दिन में तकरीबन? यार तकरीबन 400-500 पराठे निकलते हैं 12 घंटे में। बहुत ज़बरदस्त। और देखें नाज़रीन सफाई का भी बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है यहाँ पर, बहुत साफ़ सुथरा बहुत अच्छा सेटअप है माशाल्लाह से। यार आपको पराठा खाया, बहुत मज़ा आया।
इनका काउंटर है माशाल्लाह से। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस आपके इधर आते रहते हैं हम अक्सर, तो आपका चाय का टेस्ट ऐसा है कि हमको हर वक्त खींच के ले आता है। हालांकि हम काफ़ी दूर रहते हैं, बट आपका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है चाय का कि हमें बार बार यही आना पड़ता है। और बहुत मज़ेदार पराठे, चाहे वो पूरी पराठा हो चाहे लच्छेदार पराठा हो, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसलिए हम बार बार आते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ऐसी ही क्वालिटी रहेगी। शुक्रिया। चाय ऐसी है भाई, सब जब तक पिए नहीं हमारी रात ही निकलती। रात चैनल के चैनल खाना और पकाना, खाना और पकाना। ये बार वाला है जो माशाल्लाह से बड़ा एक्सपर्ट है अपनी चाय सर्व करने के अंदर। इनकी सर्विंग को देखें आप, माशाल्लाह से देखें, इसका स्टाइल देखें। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, वेरी गुड, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, हम किचन के अंदर से होके आ गए हैं वापस। Check the mic and make sure it sound right, boys. इनके बड़े प्रोफेशनल कुक हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट में मेरे ख्याल में चैम्पियन हैं। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह से इस बार रात के 3 बज रहे हैं और एक बिल्कुल दिन वाला समय है यहाँ पर, इसलिए कि इस वक्त मेरे ख्याल में कराची को छोड़कर बाकी दूसरे शहरों में दुनिया जो है इस वक्त वो जो मिसाल है घोड़े गधे बेच के सो चुके होंगे। मेरे ख्याल में अब हमें वापस चलना चाहिए घर को वापस, इसलिए काफ़ी टाइम हो गया। अब हम भी जाएं इसलिए कि कुछ देर सो लें, कुछ आराम कर लें। कल सुबह जुमा भी है, कल तो नहीं बल्कि तो जुमा स्टार्ट हो गया और सुबह फिर जुमे की भी तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स आप हमें इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगेगा और नेक्स्ट व्लॉग में फिर दोबारा आपके साथ किसी और नई जगह पे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।